गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर 2022 है। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज जो डिक्लेयर की गई हैं आयोग के द्वारा वो कितनी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी की जो कुल पदों की संख्या है वो 391 है, 391। और जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो ज़िला अल्मोड़ा में कुल रिक्तियाँ हैं 50 हैं, 50 यहाँ पर, जिसके लिए आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बागेश्वर की बात करते हैं, बागेश्वर में रिक्तियों की संख्या 18 है। उसके बाद ज़िला चमोली, जहाँ पर रिक्तियों की संख्या 26 है। उसके बाद आपका ज़िला आता है चंपावत, यहाँ पर भी रिक्तियों की संख्या आपका 26 घोषित की गई है। ज़िला देहरादून के लिए कुल 9 वैकेंसीज़ हैं। ज़िला नैनीताल के लिए 27 वैकेंसीज़ हैं। ज़िला पौड़ी गढ़वाल के लिए 79 वैकेंसीज़ हैं। ज़िला पिथौरागढ़ के लिए 38 वैकेंसीज़ हैं। रुद्रप्रयाग के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं। टिहरी गढ़वाल के लिए 45 वैकेंसीज़ हैं। उत्तरकाशी के लिए 60 रिक्तियां घोषित की गई हैं। अब यहाँ पर जो राजस्व उप निरीक्षक है उसके लिए जो योग्यता है वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो शैक्षिक अर्हता की बात की गई है, तो शैक्षिक अर्हता में भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अभ्यर्थी के द्वारा की गई है। और जो आपका वेतन मैंने यहाँ पर लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी है, पद का स्वरूप आपका समूह ग अराजपत्रित की श्रेणी का है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में प्रादेशिक कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की गई है तो उसको अधिमान दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ आवश्यक है। शारीरिक मानकों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी जाएगी। सीना फुलाव की बात करते हैं तो यहाँ पर 84 सेंटीमीटर है और जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक होगा। आयु सीमा की यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आयु सीमा यहाँ पर पटवारी के लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपका लेखपाल की भर्ती परीक्षा के बारे में। तो लेखपाल के लिए जो कुल रिक्तियों की संख्या है वो आप देख सकते हैं 172 वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग ज़िलों की बात करें तो ज़िला चंपावत में रिक्तियों की संख्या आपका 1 वैकेंसी है। देहरादून में 38 वैकेंसीज़ हैं। हरिद्वार ज़िले में 51 वैकेंसीज़ हैं। ज़िला नैनीताल में आपका 26 वैकेंसीज़ हैं। ऊधम सिंह नगर में 56 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर हम इसके लिए जो योग्यताएं हैं उनकी हम बात करते हैं तो शैक्षिक अर्हता आपका विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है। अधिमानी अर्हता वही प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का सेवा किया गया हो। शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ आवश्यक है। यहाँ पर आयु सीमा में बदलाव किया गया है। आयु सीमा में यहाँ पर आपका 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, पॉइंट यहाँ पर और देखने वाला है और वो है आपके राजस्व उप निरीक्षक के लिए और लेखपाल के लिए आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयोग की गणना की निश्चयात्मक जो तिथि है वो 1 जुलाई 2020 है, 1 जुलाई 2020 है। जबकि जो नए अभ्यर्थी हैं, अन्य अभ्यर्थी जो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो निश्चयात्मक तिथि है वो 1 जुलाई 2022 है। अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए आप निम्न प्रतिबंधों को देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की अन्य अपडेट्स प्राप्त करने के लिए और मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।